अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईशब के साथ। मैं हूँ ईशा जुबैर। सो व्यूवर्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट की टैब जो है उसको ओपन कर लेंगे। उसमें हमारे पास ये देखें, एक पिक्चर का बॉक्स हमें शो हो रहा है। इस पर इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो देखें हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसमें हमारी पिक्स पड़ी हैं। तो जो हम पिक ऐड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, उसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखें डॉक्यूमेंट में जो पिक है वो इंसर्ट हो गई है। अब देखें इसका साइज़ जो है वो बहुत ही बड़ा है। अगर हम इसका साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर में ये डबल एरो है हमारे पास, इससे हम जो साइज़ है पिक्चर का वो रिड्यूस कर सकते हैं। और अगेन अगर हम इसका साइज़ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका साइज़ बढ़ा भी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये कि हम जो पिक्चर है हमारी, उसको हम उसकी जो पोजीशन है वो चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी पिक्चर जो है राइट साइड पे आ जाए। जैसे कि हम अगर कोई सीवी बना रहे हैं या हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमने एक पिक्चर को ऐड करना है जो कि हम फ्रंट राइट साइड पे करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी पिक्चर को हम मूव करेंगे विदाउट एनी सिलेक्शन, विदाउट एनी टैब, विदाउट एनी ऑप्शन। वी कैन नॉट मूव द पिक्चर। सो हम पिक्चर को मूव करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट की टैब को ओपन करेंगे। उसमें देखिए हमारे पास एक पोजीशन की टैब है और एक रैप टेक्स्ट की टैब है। इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। तो हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्वेयर का एक ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अब हम अपनी पिक्चर को ड्रॉप डाउन कर लेंगे। इधर लेके आना चाहते हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं अपनी पिक्चर को, तो हम इजीली पिक्चर को मूव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। उसके बाद ये देखें साइड में हमारे पास लेआउट ऑप्शंस हैं। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, स्क्वेयर की ऑप्शन को सिलेक्ट करके पिक्चर को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं पेज में, ऊपर से नीचे, राइट से लेफ्ट, बॉटम से टॉप, जहाँ पे हम चाहते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास पोजीशंस की कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखें 9 हमारे पास जो हैं ऑप्शंस हैं कि हम अपनी पिक्चर को सेंटर में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, राइट में सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी पोजीशन सिलेक्ट करके अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पिक्चर है उस पर हम कोई स्टाइल अप्लाई करें, अपनी पिक्चर का लेआउट चेंज करें, तो इसके लिए देखें हमारे पास स्टाइल्स की ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करके अपनी जो पिक्चर है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये जो बॉटम में ये हमारे पास एरोज़ हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टाइल्स हैं। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल अपनी पिक्चर को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें साइड पे कुछ और ऑप्शंस हैं, कॉम्प्लेक्स पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर। जैसे कि हमने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, हमने पिक्चर को कोई स्टाइल दिया है, अब हम चाहते हैं कि ये स्टाइल यहाँ से ख़त्म हो जाए और हमारी जो पिक्चर है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो देखें हमारी जो पिक्चर है वो नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ये जो पिक्चर है इसको हम चाहते हैं रिप्लेस करना किसी और पिक्चर से, कि हमने ये पिक्चर नहीं ऐड करनी थी, हमने कोई और पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी थी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे, चेंज पिक्चर करेंगे और ब्राउज करेंगे यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम अ फाइल, बिंग इमेज सर्च एंड वन ड्राइव।
तो यहाँ से हम फ्रॉम अ फाइल पे जाएंगे और यहाँ से हमने जो भी पिक्चर यहाँ पे ऐड करनी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट। तो देखें उसी जगह पे हमारी जो पिक्चर है वो रिप्लेस हो गई है। इसके बाद हमारे पास कंप्रेस पिक्चर, अगर हम अपने पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से हम अपनी पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर बॉर्डर है कि हम अपने पिक्चर पे कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पिक्चर पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर इफ़ेक्ट्स, जैसे कि हम अपनी पिक्चर को उसके एंगल को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम 3D रोटेशन यूज़ करते हैं कि हम अपनी पिक्चर का जो एंगल है उसको रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, पिक्चर इफ़ेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें देखें सबसे नीचे हमारे पास है 3D रोटेशन, तो ये देखें इतनी सारी हमारे पास ये जो सैम्पल हैं वो अवेलेबल हैं, तो हम इनमें से अपनी मर्ज़ी से जो कौन सा भी स्टाइल चाहते हैं हम यहाँ पे अपनी पिक्चर को दे सकते हैं। जैसे कि देखें मेरी पिक्चर की रोटेट हो गई है, इसका एंगल चेंज हो गया है। उसके बाद अगर हम अपनी पिक्चर को दोबारा हम नॉर्मल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्री रीसेट में आएंगे और नो प्रीसेट कर देंगे। तो देखिए हमारी पिक्चर जो है वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद पिक्चर लेआउट है, यहाँ से हम अपने पिक्चर का जो लेआउट है वो भी चेंज कर सकते हैं। पिक्चर में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम पिक्चर को ऐड इंसर्ट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट में, उसको कुछ हम स्टाइल भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ देखा कि हम पिक्चर जो है उसको रीसेट करके उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, एक पिक्चर को दूसरी पिक्चर से रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्रेस पिक्चर को कर सकते हैं, उसके बाद पिक्चर पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। और हमने कुछ पिक्चर के इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं, देखे हैं यहाँ पे 3D रोटेशन के, हम अपने पिक्चर का एंगल चेंज करना चाहते हैं तो हम इजीली MS वर्ड में कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा देखेंगे इसके बारे में, फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई होती है, उसके बाद बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं, उसके बाद कलर, डिफरेंट अदर्स हमारे पास फॉर्मेटिंग्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।